नहीं चलेगी। एजुकेशन डायरेक्टर की गुणवत्ता, एजुकेशन डिपार्टमेंट मैं अमित कपूर डोगरा संगठन प्रेसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जगह जगह से पेरेंट्स यहां पे इकट्ठे हुए हैं। एजुकेशन डायरेक्टर के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करा, ये प्रोटेस्ट है जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि आप जो 2014 का फीस स्ट्रक्चर है उसी के दौरान फीस ली जाएगी, उसी का स्ट्रक्चर फीस बनाया जाएगा। और जिन्होंने भी 2014 के बाद फीस बढ़ाई है, जिस भी प्राइवेट स्कूल ने सीबीएसई स्कूल ने, उसको विद 9% इंटरेस्ट मिला के रिफंड किया जाएगा। और हमारी डायरेक्टर जो महोदय मैम है, ये फीस रिफंड तो करवा नहीं सकते, उल्टा फीस बढ़वाने का ऑर्डर दे रही है। और मुझे नहीं लगता जो भी यहाँ फीस फिक्सेशन कमेटी बनाई हुई है, शायद इनको अटैचिया पहुंचती है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और जब हाईकोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब हम रोडों पे आ चुके हैं और पेरेंट्स आज जाग चुका है। जब तक इस हाईकोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और एजुकेशन डायरेक्टर की हाय हाय होती रहेगी। जिस तरह से आज कुछ पेरेंट्स जो थे प्राइवेट स्कूल से दुखी होकर आपके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपसे उनकी मुलाकात हुई, तो क्या आश्वासन आपके द्वारा उनको दिया गया? देखिए, कुछ पेरेंट्स जो इस समय हैरेस्ट फील कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फी ली जा रही है और टेक्स्ट बुक्स जैसे वो अपनी मर्जी की प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स उनको चार्ज कर रहे हैं, इसके ये चीज़ ऑलरेडी डिपार्टमेंट के नोटिस में है और डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उस पर एक्शन, हम ऑलरेडी उस पर एक्शन ले रहे हैं। जैसे हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो अलग अलग स्कूल्स में गई हैं, उनको स्कूल्स में जाके उन्होंने पूरा वो एनालाइज किया है कि वो क्या फीस स्ट्रक्चर उनको लेना चाहिए था और क्या वो ले रहे हैं, क्योंकि फी फिक्सेशन कमेटी के पास ये मैंडेट है विच इज़ हेडेड बाई रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो वो डिसाइड करती है फी फिक्सेशन कमेटी कि किस स्कूल का क्या फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जिन स्कूलों ने फी फिक्सेशन कमेटी को अप्रोच नहीं किया है उनके लिए अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि उनको 2014 का फीस स्ट्रक्चर और अगर उसके ऊपर उन्होंने कोई एनहांसमेंट की है तो 9% इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड होगा। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं डायरेक्शंस की और उसमें हम आगे एक एक स्कूल की हमने फीस स्ट्रक्चर उनसे मंगवाया है। जो स्कूल्स कंप्लाई नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी बनता होगा अंडर रूल्स वो हम लेंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड पेरेंट्स और उनको ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा था, हम ऑलरेडी काम कर रहे थे लेकिन अब और ज़्यादा इनको क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अगर वो फ़ी दे देंगे हायर चार्जेस पे तो बाद में उनको रिफंड नहीं होगा, तो इसलिए हमने एक एक स्कूल के लिए जितने भी उन्होंने नाम हमें स्कूल्स के दिए हैं अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने उसके लिए कमेटीज अलग से बना दी हैं, इन एडिशन टू जो हमारी टीम्स किसी भी स्कूल में रेंडमली जाएंगे, उसके अलावा इन पर्टिकुलर स्कूल्स में हमारी टीम्स जाएंगी और वहाँ पे जो पर्टिकुलर कंप्लेंट विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट वो हम उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे।